देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। स्वागत है, आइए देख गोनिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिजन, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची भंडारा। हम अभी यहां पहुंचे हैं, प्रोजेक्ट है भेल का बहुत बड़ा जो प्रफुल्ल पटेल ने यहां पे लाया था। हम मुंडीपार गांव में हैं, जहां पर ये भेल के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी प्रफुल्ल पटेल के शासन में। और अब हम यहाँ के गांव के लोगों से प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि वो इस भेल प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी उम्मीदें थी इससे। न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ पे मुंडीपार गांव में यहाँ पे भेल प्रोजेक्ट था प्रफुल्ल पटेल का, जो उनकी सरकार में आया था। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम यहाँ पे लोगों की प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी क्या अपेक्षाएं थी और उन अपेक्षाओं का क्या हुआ। कुछ बोलेंगे भेल के बारे में, आपके सामने ही यहाँ पे भेल प्रोजेक्ट बहुत सारे जो तरुण वर्ग है वो सुरक्षित होकर भी आज उनको काम नहीं मिल रहा है, जल्द से जल्द वो पूरा प्रोजेक्ट चालू किया जाए, यही हमारी अपेक्षा है। यही आपकी अपेक्षा है। लोकसभा चुनाव को किस तरह देखते हैं आप? हम देखते हैं कि जो हमारे एरिया का विकास कर सके वही उम्मीदवार हम चाहिए। वही उम्मीदवार आपको चाहिए। लोकसभा चुनाव को 11 तारीख को वोटिंग करेंगे, कैसी सरकार की उम्मीद करते हैं? देंगे मोदी को। मोदी को देंगे? आप बोल रहे हैं कि मोदी को वोट देंगे, तो फिर भेल का आप क्या सोचते हैं? करेगा ना मोदी, भेल चालू करेगा ना? भेल चालू करेगा मोदी, यानी आपको ऐसी उम्मीद है कि भेल मोदी चालू करेंगे? पर प्रोजेक्ट तो प्रफुल्ल पटेल का था, प्रॉपर्टी से बड़ी है वो, तो ये तो सरकार का चाहिए ना, सरकार करेगी। अभी हमारी जमीन की जी, तो जमीन का कुछ हमको फायदा होने को ना, तो आपको जमीन का मुआवजा मिला? मुआवजा मिला, लेकिन भेल चालू होने के बाद हमको काम मिलेगा? कितना मुआवजा मिला अभी वो नहीं बता सकते, वो उतना अपने का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन क्या बात ये है कि वो काम चालू होने को ना, जरूरी बात ये होनी है कि वो अभी दो मिला मुआवजे के साथ और भी कुछ आश्वासन दिए गए थे? आश्वासन दिए गए थे ना, रोजगार मिलेगा, किसी को नौकरी भी यहाँ पे रखा जाएगा, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, या मजदूर यानी ये जो बेरोजगार जैसे जमीन वहाँ पे जा चुकी है, है ना, तो फिर अभी आपकी उपजीविका किस तरह चल रही है? जीविका यानी जैसे चल रही है वो खाली मिले, अभी देख ही रहे हो खाली मिले लड़ रही है यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, यानी यहाँ का युवा वर्ग पिछड़ रहा है। हाँ, पिछड़े बहुत पीछे हो सकता है, रोजगार मिल सकते वहाँ से उनका, ये हो सकता है बड़ा। जी जी, मेरा यही कहना है की जल्द से जल्द जी और ज्यादा से ज्यादा जो बेरोजगार वर्ग है काम पे लग जाए। कैसे उम्मीदवार की उम्मीद करते हैं? अभी हमारे इधर जो भेल चालू करेंगे उसको देंगे, उसको देंगे। धन्यवाद। वोट करेंगे काका? वोट हमें घटे वाले जो वोट दो, हम की भेल बंद किया, नाना पटोले ने यही ताकत से चालू करा थी। हम तो घटे वाले हम की भेल चालू कर रहे, घड़ी वाले करना रहे। म्हणजे कोणाला वोट कोणाला देणार आहे? काँग्रेस ले, काँग्रेस ले। धन्यवाद। पण आता तर 4 वर्षात तर सुरू नाही केली ना त्यांनी, करतील ना पूर्ण सरकार, बीजेपीची सरकार होती म्हणून नाही झाली असं म्हणायचं आहे? पण प्रोजेक्ट प्रफुल्ल पटेलचा होता, पण प्रफुल्ल पटेल केलं म्हणजे तो कार्य नाही करू शकला तिथे आणि पुन्हा काँग्रेस मध्ये इकडे खाणे तिकडे दलबदलू वाला खेळ झाला त्याचा। बर बर, धन्यवाद। चुनाव के बारे में वोटिंग करेंगे जी, हम तो काम धंधे में बिजी रहते हैं, अब हो सकता है वोटिंग के दिन रहेंगे तो करेंगे जल्दी। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ये तो आम जनता का यानी एक मैडम अपना लंबा सफर वाला काम है, आज बॉम्बे में है, कल दिल्ली में है। जी 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 जी, फिर भी आप कैसे सरकार की उम्मीद करते हैं? मोदी जी की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। आप किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव, चुनाव के उम्मीदवार से क्या अपेक्षा है आपकी? चुनाव के उम्मीदवार से अपेक्षा ये है हमारी, हमको तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस की सरकार चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि फेर बदल चाहिए ना, फेर बदल चाहिए। तो 30 सालों में यानी 60 साल से तो उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सरकार थी, लेकिन इनके 5 साल में सरकार रहने के बाद में धंधे पानी में बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। विकास नहीं देखा आपने? विकास देखा है, लेकिन धंधे वाला तो अपना धंधा देखेंगे ना। जी धन्यवाद। चुनाव को किस तरह देखते हैं? हमारे गांव के इस क्षेत्र के लिए बेल जरूरी है जी, बेल जरूरी है इसलिए जी, जब तक
तो आपका कहना ये है कि मोदी सरकार ये चालू नहीं कर सकती? धन्यवाद। घर जो शुरू होने की वजह नहीं है, लड़कों ने टेक्नीशियन जो कोर्स किए जी वो लोग वंचित है अभी जी, चालू हो जाए। 11 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, दो उम्मीदवार है, ठीक है, तो दोनों उम्मीदवारों में से आप किसकी सरकार चाहते हैं? दो सुनील मेंडे अच्छा और पंच बुद्धे जी, राष्ट्रवादी जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे जो भेल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? होने को होना जी। तो ये भेल प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तब ये पटेल की सरकार में जी, हुआ जी, तो आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी की सरकार अगर आए तो भेल चालू हो जाएगा? जी हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि हमारी रेगा फॉर्मूला भी वही है। ये क्या भेल चालू है? हमारे 21 गांव का प्रोग्रेस है इसमें, मेरे 21 गांव का प्रोग्रेस इस भेल में है, इस भेल में जमीन गई। ऐसा नहीं लगता कि पहले ही चालू हो जानी चाहिए? नहीं चालू हुई। ओके धन्यवाद सर। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि राज्यसभा में वो सांसद थे तो इसे करवा सकते थे? नहीं, उनको क्या चलेगा, बहुमत स्पष्ट बहुमत में मोदी का क्या चलेगा? नहीं, बट वो वहाँ सांसद भी तो थे ना जी, मगर उनकी क्या चलेगी? यहाँ का जो आमदार था बीजेपी का था, सांसद था बीजेपी का था, उसने बोलने को बोला ना। तो वोटिंग करेंगे तो आपको उम्मीदवार को ही वोटिंग करनी पड़ेगी, तो आप किस तरह देखते हैं अपने आने वाले उम्मीदवार को? जो हमारा उम्मीदवार है उसको ठीक ढंग से ही देखेंगे ना? नहीं, यानी क्या चाहते क्या है उससे, अपेक्षाएं क्या है आपकी? अपेक्षा क्या है, हम कास्तकार को जो भी मिलेगा वो अपेक्षा हमारी, और क्या मिलना है। धन्यवाद सर। जरूर करेंगे। तो कौन सी सरकार जो भेल चालू करेगा उसी पे करेंगे, तो अभी थोड़ी पता चलेगा कौन भेल चालू करेगा, पर पहले तो वोटिंग करना पड़ेगा। राष्ट्रवादी को ही देंगे, राष्ट्रवादी को ही देंगे। ओके धन्यवाद। लोकसभा चुनाव लोग वोटिंग नहीं करते, क्यों? कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि अपन वोटिंग करते हैं वो आते चुन के हमको कुछ नहीं पास साल, यानी जब वोट मार लगते हैं तब आते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, कोई मतलब ही नहीं फिर उससे। जी जी, उससे अच्छा करना ही बंद कर दिए। धन्यवाद सर। करेंगे सर, भेल के बारे में क्या सोचते हैं आपके गांव में भेल का प्रोजेक्ट है? भेल आना चाहिए। हाँ, भेल तो आना चाहिए, पर आपको क्या लगता है कैसे आएगा? तो यहां के बेरोजगार काम पे लग जाएंगे। नहीं, कैसे आएगा भेल? प्रफुल भाई बोलते हैं हम ही लाएंगे, उनको ही चुनने का हमारा है। 11 तारीख को लोकसभा का चुनाव है, आप किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव को? अच्छे दिन आने को होना, और ये भेल के प्रकल्प को, यहाँ पे भेल का प्रोजेक्ट है, कंपनी तो चालू होने को होना, यहाँ के सब लोग तो बाहर जाके काम कर रहे हैं, हमारे लड़के बच्चे, और नहीं क्या कभी हम मर भी गए तो हमारे बच्चे हमारे यानी मैयत पे नहीं आ पाएंगे। भेल कंपनी अगर चालू हुई तो सभी यहाँ के 10 गांव आसपास के सुखी रहेंगे, उसके परिवार सुखी रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन ला सकता है भेल की सर? भेल कौन ला सकता है? भाई जी। भाई जी, तो वोट किसको? भाई जी को। धन्यवाद। बोलिए भाई जी। बोले तो प्रफुल्ल पटेल। हाँ, ये प्रफुल्ल पटेल ने हमारी जगह लेके गए जी, और हमारे को भूमिहीन कर दिया उसने जी, तो अभी हम खाने को मौका पैसा मिल गया। किसको वोटिंग करेंगे? तो नहीं करूंगी, उसने हमारा 200 पॉइंट हमारा जो ये था बाबा साहब ने लिखा था वो कट करके 13 पॉइंट पर आया जी। गरीब हमारे यहाँ हम मर गए तो हमको 4 जन लेके जाने के लिए कोई लड़के नहीं मिलेंगे, हमारे लड़के बाहर भाग गए जी। हाँ, तो ये मोदी ने हमारा बहुत नुकसान करा जी, ये चालू क्यों नहीं किया? हाँ, पर ये प्रोजेक्ट तो प्रफुल्ल पटेल का है, कोई नहीं मैडम वैसा नहीं है, ये प्रोजेक्ट प्रफुल्ल पटेल का नहीं है, ये गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ही है जी। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, मोदी ने करना चाहिए, मोदी ने करना चाहिए, मोदी ने करना चाहिए। मगर 5 साल हो गए तो मोदी ने क्या किया? मोदी ने ध्यान नहीं दिया हमारे लोगों का, हमारे बच्चों को हम उपवास ही रखते, मगर हमारे लड़के को खाने को नहीं मिल रहा, हमारे सब लोग अभी जिधर उधर काम करने को गए भटक गए। हम भाई लोग, हमारे को हमारा खेत था, हमारे खेत में हम मजदूरी करते थे, काम करते थे, 6 महीना
इतना हमको मजदूरी मिलती थी, अभी एक भी पैसा नहीं मिल रहा। तो अभी लोकसभा चुनाव जो है 11 तारीख को वोटिंग करेंगे, तो किसको देखते हैं जीत में, जीतते हुए किसको देखना चाहते हैं? वो किस कोई भी जीतो मैडम, मगर हमारा बेल चालू होना चाहिए, हमारा बेल का प्रॉब्लम है। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।